नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं वर्चुअल ट्यूब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास के लाइन तक कवर किया था। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों एवकस के बारे में। एवकस दोस्तों फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसे चाइनीज लोगों के द्वारा इन्वेंट किया गया था, मीन्स कह सकते हैं चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था। चाइनीज में एवकस को स्वैम पैन कहा जाता है। मोस्टली जो यूज होता है ये ग्रीक में होता है यूज, रोमानिया में यूज होता है और इंडिया में बेसिकली इसका यूज देखा गया है। दोस्तों अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। उसमें कुछ लोहे की रॉड लगी हुई होती है जिसमें कुछ लकड़ी के बिट्स लगे होते हैं, और ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड रखा जाता है। ऊपर वाले फ्रेम में कुछ बिट्स होते हैं और नीचे वाले फ्रेम में कुछ बिट्स होते हैं। इन बिट्स को मूव करके कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको एवकस के फंक्शंस के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसके टोटली कैसे ये फंक्शन करती है एंड किस चीज के लिए फंक्शन करती है वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी और उनका कंप्यूटर के डेवलपमेंट में क्या योगदान था। दोस्तों फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लॉवेलेस या लेडी अगस्ता एडा को कहा जाता है। दोस्तों इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ही बोला था कि हर किसी को फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता होता है, बट मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है या उनको पता नहीं है। तो लेडी अगस्ता एडा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों यह एक मैथमेटिशियन थी। चार्ल्स बेबेज की रिसर्च में लेडी एडा का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो कैसे वो हम लोग आगे देखते हैं। लेडी एडा ने चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का इनोवेशन किया था एंड उसके बाद उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। तो जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, तो लेडी अगस्ता एडा ने मैथमेटिकल टेबल को डेवलप किया था और इसे हम लोग एक तरह से प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसी वजह से इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में भी याद किया जाता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, मैं ये बताता हूँ। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे, तो अपना आंसर होगा लेडी अगस्ता एडा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर, तो लेडी अगस्ता एडा होना चाहिए हमारा आंसर। ये दो क्वेश्चन प्रोग्राम में इनसे बन सकता है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एलन ट्यूरिंग के बारे में। दोस्तों ये एलन ट्यूरिंग के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट दिया था एंड अल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट मार्केट में आने के बाद कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। दोस्तों आज का जो भी आप कंप्यूटर देखते हैं उसका एलन ट्यूरिंग ने ही नींव रखी थी। जैसा कि आपने पार्ट टू में देखा था, कंप्यूटर रखने के लिए एक रूम का स्पेस भी कम पड़ता था। तब उन्होंने ट्यूरिंग मशीन को लाया और बताया कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी सॉल्व कर सकती थी। मतलब एक तरह से एलन ट्यूरिंग ने अल्गोरिदम कॉन्सेप्ट लाया एंड उन्होंने ये बताया सबको कि कंप्यूटर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड सब्स्ट्रैक्शन तक ही सीमित नहीं है, वो और भी बहुत कुछ करने के लिए बनाई गई है। मतलब एक उन्होंने एक थिंकिंग रखा लोगों के सामने कि कंप्यूटर इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती है। दोस्तों एलन ट्यूरिंग के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। एक तरह से मेरे रोल मॉडल हैं एलन ट्यूरिंग। इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है एंड अगर आप इसका डेवलपमेंट आप देखना चाहते हो तो मैं एक इस इनके बायोग्राफी के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। इनके एक एक जो भी इन्होंने काम किया है हर एक चीज़ में उसमें एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माउस के इन्वेंटर के बारे में। ये जो स्क्रीन पे माउस चल रहा है इसके बारे में, ये तो नेचुरल माउस है। हम लोग आर्टिफिशियल माउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल माउस जो बनाया गया था जिसका कंप्यूटर में यूज होता है वो है डॉगलस एंगलवर्थ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत भी बार पूछा गया है। इवन IBPS के एग्जाम में हो या स्टेट लेवल के एग्जाम में हो ये क्वेश्चन आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एंड इसे याद रखना कि
हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ माउस, तो वो हमें डॉगलस एंगलवर्थ याद रखना है। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका 2013 में रिसेंटली डेथ हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमें रिमेम्बर रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे। कीबोर्ड जो आप देख रहे हो अभी दोस्तों, ऐसा कीबोर्ड नहीं होता था पहले। पहले कीबोर्ड का साइज एंड कीबोर्ड जो बनाया गया था वो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं उसी तरह से था, बट वो उसे टाइप करने में बहुत इशू होता था। तो फिर बाद में क्रिस्टोफर लैंथम सोलेस हैं, उन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड का इनोवेशन किया। क्वार्टी कीबोर्ड जो हम लोग आज मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं एंड हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी में भी इस कीबोर्ड का यूज होता था। दोस्तों ये कीबोर्ड आने के बाद लोगों का काम आसान हो गया, इसे हम लोग क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। अगर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्रिस्टोफर लैंथम सोलेस ने कौन सी कीबोर्ड का इनोवेशन किया था, तो क्वार्टी कीबोर्ड डालना है। ये कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन थे, तो क्रिस्टोफर लैंथम सोलेस हमें डालना है आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, फर्स्ट नेटवर्क। तो दोस्तों फर्स्ट जो नेटवर्क है वो है आर्फानेट, जिसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बेसिकली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कब बनाया गया था और किसने बनाया ये सब नहीं पूछा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ज़्यादा जितना मैं डीपली जाऊँगा उतना अपना टॉपिक लेंदी होता जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम वही पढ़ते हैं। तो आर्फानेट फर्स्ट नेटवर्क है, ये याद रखना है हमें। एंड इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है, ये याद रखना है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है फर्स्ट वायरस कौन सा था। तो फर्स्ट वायरस क्रीपर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह वायरस आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन मैसेज को दिखाता था। आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, अगर आपके कंप्यूटर में ये क्रीपर वायरस आ गया तो ये आपके स्क्रीन पे सिर्फ यही शो करेगा, कैच मी इफ़ यू कैन, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, सिर्फ यही आपके स्क्रीन पे शो करेगा। एंड उस टाइम में इस टाइप के वायरस, मतलब अगर आपके लोगों के कंप्यूटर में आ जाता था तो लोगों को लगता था यार क्या हो गया, मतलब मेरा पूरा कंप्यूटर खराब बर्बाद हो गया। तो इसको डिलीट करने के लिए फिर रीपर नाम का प्रोग्राम बनाया गया। तो ये दो चीज़ हमें याद रखना है, एक तो फर्स्ट वायरस कौन सा था क्रीपर, एंड इसे डिलीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था। तो रीपर नाम का एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसे क्रीपर डिलीट होता था। इस वायरस को सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट नेटवर्क देखा आर्फानेट, तो सबसे पहले आर्फानेट पे ही देखा गया था। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का सारा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक है हमारा। फर्स्ट जनरेशन तक हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में कौन से आ सकते हैं ये पढ़ने वाले हैं। एंड आगे अगर हम देखते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप सोच रहे होगे ये 5-5 मिनट का लेक्चर क्यों है, तो मैं आपको सीधा बताता हूं, कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बिना बोर हुए पढ़े, बिना हम किसी चीज़ को मतलब एक बोरियत होता है ना, बोरियत, अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा यार 1 घंटे का लेक्चर क्या क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ना है। अगर मैं 5-5 मिनट के लेक्चर में आपको हर एक चीज़ ग्राफिकल वे में, इमेज वे में समझा रहा हूँ तो आपको आसान होगी उस चीज़ को समझना। तो ये 5-5 मिनट का लेक्चर, आप लोग का सपोर्ट चाहिए यहाँ पे मुझे कि आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करने वाला है तो उसे आप उस तक ये वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं शेयर करके। एंड ये वीडियो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। एंड मैं ट्राई मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ये 2 महीने में मैं कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। जितना मैंने सिलेबस फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया वो सारे सिलेबस मैं 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको IBPS के आने वाले PO के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाएगी, कलर के एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एंड जो SO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जो बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस मैं डेफिनेटली SO का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी डीपली मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो वीडियो के लेटेस्ट अपडेट अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। एंड आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों,
कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमेंट करने का मन भी नहीं है तो अपना मेल आईडी कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर पाऊँ ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है, कहीं पे भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस तरह से। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लीजिए, कहीं पे भी आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर सपोर्ट करते हैं तो इसी तरह से, अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं चाहूँगा कि मैं दूसरे लेक्चर, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी लेक्चर इसी तरह से लेके आऊँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं आपको जो मटेरियल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगा। थैंक यू।